हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको थर्ड पेपर का थर्ड यूनिट स्टार्ट कराने जा रहे हैं। लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, डिराक डेल्टा फंक्शन, कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, टाइम लाइक स्पेस लाइक वेक्टर्स, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। थर्ड यूनिट का आपका टॉपिक फोर फैक्टर फॉर्म्यूलेशन से स्टार्ट है, तो आज मैं आपको फोर फैक्टर फॉर्मूलेशन बताऊंगी। उसी में एनर्जी मोमेंटम फोर फैक्टर, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम आज पढ़ेंगे। तो फोर वैक्टर फॉर्म्यूलेशन स्टार्ट करने से पहले हम देखें फोर वैक्टर होते क्या हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अ पॉइंट इज लोकेटेड एट टाइम टी बाय थ्री कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी टाइम टी पर कोई पॉइंट तीन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड से लोकेट होता है, एंड दीज कोऑर्डिनेट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स आर ऑफ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट एट टाइम टी। ये जो निर्देशांक हैं एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशन में जो पोजीशन आर के स्पेस कंपोनेंट्स कहलाते हैं। यदि हम टाइम टी को एज्यूम कर लें एज अ फोर्थ कोऑर्डिनेट या एज ए फोर्थ डायमेंशन, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि जो आपका टाइम है फोर्थ डायमेंशन है, तो आई सी टी आयोटा सी टी को हम क्या क्या ले सकते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट। आई सी टी मे बी टेकन एज फोर्थ कोऑर्डिनेट वेयर सी इज द स्पीड ऑफ फ्लाइट, जहाँ पर सी क्या है, प्रकाश का वेग है। तो नाउ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड आई सी टी। तो चार कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स पहला, वाई दूसरा, जेड तीसरा, और चौथा कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया, आयोटा सी टी इन अ स्पेस कॉल्ड फोर डायमेंशनल स्पेस। तो अगर हमने टी को एज्यूम कर लिया टू बी फोर डायमेंशन, तो आयोटा सी टी आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड आयोटा सी टी इन अ स्पेस कॉल्ड फोर डायमेंशन स्पेस। ये देखिए, अब आपका इसको हम एक्स वन बराबर एक्स ले लें, एक्स टू बराबर वाई ले लें, एक्स थ्री बराबर जेड ले लें, और एक्स फोर्थ आपका क्या गया, आयटा सी टी। आप इस वेक्टर की स्क्वायर लेंथ एस से अगर हम डिफाइन करें, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस आयोटा सी टी का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, देन दिस इज योर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस एक्स फोर स्क्वायर। एंड इन दिस नोटेशन इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू इज वेरी फ्रॉम वन टू फोर एक्स म्यू स्क्वायर समेशन। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो क्वांटिटी है एस, ये हमेशा इनवेरिएंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब एस स्क्वायर बराबर एस डैश स्क्वायर और एक्स म्यू स्क्वायर बराबर एक्स डैश म्यू स्क्वायर।
तो फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अपन को पता है x डैश बराबर गामा x माइनस वी टी, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z एंड t डैश बराबर t माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर गामा, वेयर गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. तो ये आपके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है गामा x माइनस वी टी. अब आप देखिए x डैश बराबर ये आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है गामा x माइनस वी टी, पहले हम पढ़ा चुके हैं पहले यूनिट में. तो गामा तो रहने दीजिए x माइनस वी. अब इसको हमें फोर्थ कोऑर्डिनेट बनाना है t को, और आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है आयोटा सी टी. तो हम इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बनाने के लिए आयोटा c से मल्टीप्लाई करा और आयोटा c से डिवाइड करा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर ये आयोटा सी टी हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट बन गया. तो ये बराबर क्या आ गया गामा एक्स प्लस बीटा, बीटा इज नथिंग योर वी बाय सी, और चूंकि आयोटा को ऊपर ले गए वन अपॉन आयोटा को तो ऊपर जाके माइनस आयोटा हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया आयोटा बीटा आयोटा सी टी. वाई डैश में कोई वेरिएशन नहीं है, जे डैश में कोई वेरिएशन नहीं है, टी डैश बराबर हमें पता है क्या होता है गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर. अब इस टी डैश को भी आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट बनाना है, तो आयोटा सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो आयोटा सी टी डैश इज इक्वल टू गामा आयोटा सी टी माइनस आयोटा बीटा एक्स, मैंने डायरेक्ट लिख दिया. अगर यहाँ पर आप आयोटा सी लगाएंगे तो एक सी कैंसिल हो जाएगा एंड वी अपॉन सी की जगह आपके पास में बीटा आ जाएगा और आयोटा ऐसा ही रह जाएगा और एक्स आपके पास है. तो ये आपके पास में क्या आ गया, तो इन न्यू फॉर्म एक्स डैश बराबर गामा एक्स वन प्लस आयोटा बीटा एक्स फोर, एक्स टू डैश बराबर एक्स टू, एक्स थ्री डैश बराबर एक्स थ्री एंड एक्स फोर डैश बराबर गामा, दिस इज एक्स फोर डैश, दिस इज एक्स फोर माइनस आयोटा बीटा एक्स वन. अब इसको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर डैश, और यहाँ पर ये पूरा इसका चार का आ गया, आपको बनाना आता होगा. अब आप देखिए इसमें क्या आ जाएगा x1 के साथ में गामा, y ज़ीरो है ये भी नहीं है, और फोर्थ के साथ में क्या है आयटा बीटा गामा. और x2 में देखिए सिर्फ 0 1 0 1, ना x1 का कंपोनेंट है, सिर्फ x2 का है, x3 नहीं है, x4 नहीं है. इसी तरह x3 में आप देखिए सिर्फ आपके पास में x3 का कंपोनेंट है और x4 नहीं है, एंड x4 में आपके पास में आ जाएगा माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा और x1 x2 x3 x4. तो ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म में नोटेशन है. अब कोई भी वेक्टर a है आपके पास में a1 a2 a3 a4, हमने क्या किया है सिर्फ x को डिफाइन किया है. अब ये कोई वेक्टर है आपका a, ये कोई वेक्टर है, तो उस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर किस में ट्रांसफ़र हो गया, लाइक लॉरेंस इक्वेशन म्यू बराबर 1 to 4 ए म्यू स्क्वायर रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, देन वेक्टर इज कॉल्ड फोर वेक्टर. तो आपने क्या देखा कि अगर किसी वेक्टर, कोई भी आपने वेक्टर लिया ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, कोई भी वेक्टर है आपका, तो किसी वेक्टर ए के कंपोनेंट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर उसी प्रकार ट्रांसफर होंगे जिस प्रकार फोर वेक्टर पोजीशन एक्स म्यू के कंपोनेंट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ट्रांसफर हुए थे. तो जो वेक्टर ए को हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए इज योर फोर वेक्टर, और ये भी क्या है इनवेरिएंट रहेगा अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो समेशन म्यू टू वन फोर ए म्यू स्क्वायर इज इनवेरिएंट. तो इफ द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर आर ट्रांसफॉर्म्ड लाइक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन and its summation a mu square, mu is vary from 1 to 4,
remains invariant under Lorentz transformation, then vector is called 4 vector. तो ये आपका क्या कहलाएगा, 4 vector. अब आते हैं इसी तरीके से हम 4 velocity में. तो हमें ये पता है कि जो स्क्वायर्ड स्पेस टाइम इंटरवल है 4 डायमेंशनल स्पेस में, वो इनवेरिएंट रहता है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जो 4 पोजीशन वेक्टर की लंबाई है वो अभी हमने देखा है इनवेरिएंट रहती है. मतलब समेशन एक्स म्यू स्क्वायर इज समेशन एक्स डैश म्यू स्क्वायर. तो स्क्वायर्ड स्पेस टाइम, या अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी एक्स डैश म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स म्यू स्क्वायर. ये क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में. इसका मतलब डी एक्स वन डैश स्क्वायर प्लस डी एक्स टू डैश स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री डैश स्क्वायर प्लस डी एक्स फोर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स वन स्क्वायर प्लस डी एक्स टू स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस डी एक्स फोर स्क्वायर. तो ये आपके पास में आ गया इस तरीके से, ठीक है. अब आप इसमें कर लीजिए डी एक्स को इसी के ओरिजिनल टर्म में लिख लीजिए, एक्स वन की जगह एक्स वाई, एक्स टू की जगह वाई, एक्स थ्री की जगह जेड एंड एक्स फोर की जगह आयोटा सी टी. तो आपके पास में क्या आ गया, डी एक्स डैश स्क्वायर प्लस डी वाई डैश स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर. अब आप सी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर. एंड सिमिलरली दिस इज सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर. आप सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 1 आ गया एंड यहाँ क्या आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डैश बाई डी टी डैश स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी वाई डैश बाई डी टी डैश स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी यही किया, सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी जेड बाई डी टी होल स्क्वायर. नाउ अब आपके पास में क्या है, व्हाट इज दिस, 2 डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट इन एस डैश फ्रेम, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट इन एस फ्रेम. तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सॉरी 1 माइनस यू एक्स डैश स्क्वायर प्लस यू वाई डैश स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर सी स्क्वायर. एंड ये पूरा क्या बन गया, यू डैश स्क्वायर. एंड ये पूरा क्या बन गया, यू स्क्वायर. तो डी टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डी टी डैश. अब ये जो 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, इसको हमने एक टर्म डी टो से डिफाइन कर लिया. तो दिस इज डी टो डैश एंड दिस इज डी टी डी टी डैश. तो आपके पास में क्या आ गया, तो ये जो डी टी 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, ये डी टो डैश बन गया और ये डी टी डैश आ गया. इट मीन्स डी टो डैश इज इक्वल टू डी टी. तो जो डी टो है, दिस इज रिमेन इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, देयरफॉर दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम इंटरवल. ये क्या कहलाता है आपका, प्रॉपर टाइम इंटरवल, क्योंकि डी टी बराबर डी टो डैश है और ये क्या है, इनवेरिएंट है. तो जो है जो राशि डी टो का मान लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इनवेरिएंट रहता है, निश्चय रहता है. तो राशि जो डी टो है, जिसकी डायमेंशंस टाइम की है, डी टी टाइम को है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर टाइम इंटरवल. क्या बोलते हैं इसको हम, प्रॉपर टाइम इंटरवल. तो आपको ये बता दिया मैंने. तो 4 वेलोसिटी को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो इसका मतलब कि अगर प्रॉपर टाइम इंटरवल इनवेरिएंट है और डी एक्स डैश भी हमने देख लिया था इनवेरिएंट है, तो इसका मतलब डी एक्स म्यू अपॉन डी टो भी क्या होगा, इनवेरिएंट होगा.
तो जो फोर वेलोसिटी वेक्टर है वो भी इनवेरिएंट होगा अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन. तो फोर वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, यू म्यू इज इक्वल टू डी एक्स म्यू बाय डी टू. तो यू वन किसके बराबर हो गया, डी एक्स वन बाय डी टू. अब इसको आप कैसे लिखेंगे, डी एक्स वन बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी टू लिख सकते हैं. तो डी एक्स वन बाय डी टी तो हो गया यू एक्स, एंड डी टी बाय डी टू किसके बराबर हो गया, अभी मैंने बताया आपको कि डी टू इज इक्वल टू डी टी वन माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द होल पावर वन बाई टू. हमने ये रखा है इसकी वैल्यू. तो आपके पास में जो डी टी बाई डी टू है वो किसके बराबर आ गया, डी टी बाई डी टू वन माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द होल पावर माइनस वन बाई टू. तो आपके पास में देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, गामा म्यू यू एक्स, क्योंकि वन अपॉन वन माइनस म्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या होता है, गामा म्यू ही होता है. तो हमने ये ले लिया, ये बन गया. इसी तरह से यू टू डी एक्स टू बाई डी टी डी टू, ये आ गया गामा म्यू बाई यू वाई. यू थ्री गामा म्यू यू टू, एंड यू फोर क्या होगा, डी एक्स फोर बाई डी टू, एंड डी एक्स फोर बाई डी टी डी टी बाय डी टू. एक्स फोर क्या है, आयोटा सी टी डी टी डी टी बाई डी टू, एंड दिस इज योर आयोटा सी, और ये हो गया गामा म्यू. एंड गामा म्यू अपन को पता है क्या होता है, वन माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द होल पावर माइनस वन बाई टू. तो ये आपके पास मू म्यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस यू थ्री स्क्वायर प्लस यू फोर स्क्वायर. तो ये आपके पास में किसके आ गया, यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस यू थ्री स्क्वायर प्लस यू फोर स्क्वायर, गामा म्यू स्क्वायर वैल्यू रख दीजिए, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा म्यू स्क्वायर. तो अब यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर किसके बराबर हो गया, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर किसके बराबर हुआ है, दिस इज यू स्क्वायर, दिस इज यू स्क्वायर, गामा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा म्यू स्क्वायर. तो आपके पास में ये आ गया गामा स्क्वायर यू स्क्वायर. अब गामा म्यू स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, दिस इज यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. अब गामा यू स्क्वायर क्या है, वन अपॉन वन माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. सॉल्व करेंगे यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस सी स्क्वायर. एंड सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं फ्रेम एप्स डैश एस डैश के लिए, यू म्यू डैश स्क्वायर इज इक्वल माइनस सी स्क्वायर. इट मीन्स यू डैश म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर म्यू इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर तो आपका कॉन्स्टेंट है एंड दिस इज इनवेरिएंट. तो आपके पास में क्या है कि जो वेलोसिटी है आपकी वो क्या रह गई, इनवेरिएंट. तो जो स्क्वायर फोर्थ वेलोसिटी है दैट इज समेशन म्यू इज वेरी फ्रॉम वन टू फोर, यू म्यू स्क्वायर इज ऑल्सो रिमेन इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन. अब इसका भी अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखनी है फोर वेलोसिटी की, तो आप देख सकते हैं वही यू वन डैश यू टू डैश यू थ्री डैश यू फोर डैश यू वन यू टू यू थ्री यू फोर, और अंदर का वही सारा रहेगा जैसा एक्स में था, गामा जीरो जीरो आयोटा बीटा गामा जीरो वन जीरो 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 वन जीरो एंड माइनस आयोटा बीटा गामा जीरो जीरो गामा. तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हम फोर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं. तो ये आपके पास हुआ फोर वेलोसिटी और फोर पोजीशन वेक्टर का. अब हम लेते हैं फोर मोमेंटम. अब मोमेंटम क्या होता है आपके पास में, फोर मोमेंटम अगर हमें लेना है तो मोमेंटम इज नथिंग मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम. तो फोर मोमेंटम क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर वेलोसिटी वेक्टर एंड रेस्ट मास एम जीरो ऑफ अ पार्टिकल विच इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, क्योंकि जो रेस्ट मास है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी है. तो इसलिए आपका मोमेंटम भी क्या होगा, इनवेरिएंट क्वांटिटी होगा. तो प्रोडक्ट ऑफ फोर वेलोसिटी वेक्टर यू म्यू और रेस्ट मास, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, डिफाइंड एज द फोर मोमेंटम वेक्टर. यानी कि फोर मोमेंटम वेक्टर आपके पास में आ गया प्रोडक्ट ऑफ फोर वेलोसिटी वेक्टर यू म्यू
एंड मास एम जीरो ऑफ अ पार्टिकल विच इज इनवेरियंट, जो कि इनवेरियंट है, कॉन्स्टेंट है. तो पी ओ म्यू बराबर एम जीरो यू म्यू. तो पी वन एम जीरो यू वन, पी टू एम जीरो यू टू, पी थ्री एम जीरो यू थ्री एंड पी फोर एम जीरो यू. एम जीरो यू वन आपको पता है क्या होता है, आपने अभी निकाला है, गामा यू यू एक्स यू वाई यू जेड एंड एम फोर यू फोर आ जाएगा. तो यू फोर में आपका आयोटा सी गामा म्यू होता है. एम जीरो आपको पता है गामा म्यू वन अपॉन वन माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द होल पावर वन बाई टू. एंड यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी यू. तो फ्रॉम आपके पास जो मास का रिलेशन है जो हम जानते हैं वो कितना आ गया, अगर एम आपका मास ऑफ द पार्टिकल है जो कि यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन फ्रॉम मास वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला एम बराबर एम जीरो वन माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो वन माइनस वन अपॉन वन माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या होता है, गामा म्यू. तो एम की वैल्यू क्या आ गई, एम जीरो गामा म्यू. तो अगर हम पी वन को लिखना चाहते हैं तो पी वन आपके पास में किसके बराबर आ गया, देखिए पी वन आ गया एम यू एक्स, क्योंकि जो एम जीरो गामा म्यू है वो क्या बन गया एम. तो पी वन हो गया एम यू एक्स, पी टू हो गया एम यू वाई, पी थ्री हो गया, पी थ्री किसके बराबर हो गया आपके पास में, पी थ्री बराबर हो गया एम यू जेड यानी कि पी जेड, और पी फोर किसके बराबर हो गया, आयोटा सी एम के. तो एम यू एक्स इज पी एक्स, एम यू वाई इज पी वाई, एम यू जेड इज पी जेड एंड पी फोर इज योर आयोटा सी एम. पी फोर इज योर आयोटा सी एम. तो ये आपके पास में आ गया पी फोर की. तो पी फोर आपके पास आ गया आयोटा ई बाई सी, और ये सारे पी वन पी टू पी थ्री हमने हर टर्म्स में आपके निकाल लिए. तो आयोटा ई बाई सी है. तो पी फोर इस तरह से देखें एम की फॉर्म में तो आयोटा सी एम है, और अगर उस फॉर्म में देखें तो आयोटा ई बाई सी. अब ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर. तो जो फोर्थ कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है वो ई की फॉर्म में क्या हो गया, पी फोर आपने क्या निकाला है, आयोटा सी बाई एम. पी फोर हमने निकाला है आयोटा सी बाई एम, और ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर. वैल्यू रख देंगे तो पी फोर बराबर क्या हो गया, आयोटा ई बाई सी. तो जो फोर्थ कंपोनेंट है मोमेंटम का वो कितना है, आयोटा ई बाई सी. तो अगर हम इसका इनवेरियंस देखें, इसकी निश्चिरता देखें, तो पी म्यू स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस पी थ्री स्क्वायर प्लस पी फोर स्क्वायर की हम वैल्यू निकालेंगे. तो पी वन स्क्वायर क्या है हमारे पास, पी वन स्क्वायर कितना हो गया, पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर, पी जेड स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्योंकि फोर्थ कंपोनेंट क्या है, आयोटा ई सी. तो जब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. एंड पी वन पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर क्या हो गया, पी स्क्वायर. तो अब आप देखिए आपके पास में दिस इज, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं और आप इस तरह से भी ले सकते हैं. आप इसकी जगह इसको पी एक्स पी वाई पी जेड भी लिख सकते हैं, पर इस तरह भी कैसे भी आप कर लीजिए. दिस इज एम जीरो गामा म्यू स्क्वायर, और ये पूरा आपके पास में इसके बराबर हो गया, और ये माइनस एम जीरो स्क्वायर गामा म्यू स्क्वायर एंड पी फोर स्क्वायर. दिस इज एम जीरो स्क्वायर गामा म्यू स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो ये माइनस एम जीरो सी स्क्वायर ये आपके पास आ गया. एंड दिस इज इनवेरिएंट. आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप जो पहले जो बताया वैसे भी कर सकते हैं. इसको पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस पी थ्री स्क्वायर प्लस पी फोर स्क्वायर भी ले सकते हैं. उससे क्या आएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, और फोर्थ कंपोनेंट इज योर आयोटा ई बाई सी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ गया. तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. ठीक है, तो आप इधर तो आपने इनवेरियंस इसका देख लिया, पी वन की वैल्यू रखें, पी थ्री की वैल्यू रखें एंड पी फोर की वैल्यू. और जब हमने इसको सॉल्व किया
क्योंकि ये मान के चलिए यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर यू स्क्वायर के बराबर होता है, और पी फोर हमने निकाल ही लिया था पहले भी, एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर गामा म्यू स्क्वायर। तो ये सब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर, और जो क्या है कॉन्स्टेंट है। तो ये आपके पास में किसके बराबर आ गया, इनवेरियंट क्वान्टिटी है। तो जो आपका ये जो मोमेंटम है, द स्क्वायर लेंथ ऑफ फोर मोमेंटम वेक्टर इज इनवेरिएंट, देयरफॉर दिस क्वांटिटी विल रिमेन इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। अब हमें निकालना है मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, उसके लिए फिर वही पी म्यू स्क्वायर को लीजिए, दिस इज नथिंग योर पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस पी थ्री स्क्वायर प्लस पी फोर स्क्वायर। अभी हमने देखा दिस इज पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर माइनस आयोटा ई बाई सी का स्क्वायर एंड दिस इज ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये मिलके पूरा पी स्क्वायर हो गया और ये बन गया पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर हो गया। तो अब आप देखिए, अभी हमने देखा कि जो समेशन पी म्यू स्क्वायर है, समेशन पी म्यू स्क्वायर किसके बराबर है, दिस इज माइनस एम जीरो सी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो जो ये इक्वेशन है इसमें हमने इसकी जगह रख दिया माइनस एम जीरो सी स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ गया पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या रिलेशन हो गया, माइनस एम जीरो सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बराबर किसके हो गया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर। तो ये जो इक्वेशन है आपकी क्या कहलाती है, ये कौन सी इक्वेशन है, मोमेंटम एनर्जी रिलेशन। क्या कहलाती है ये, मोमेंटम एनर्जी रिलेशन। तो ये तो आपकी हो गई मोमेंटम एनर्जी रिलेशन। अगर हम चाहें इसके अंदर मोमेंटम एनर्जी रिलेशन आपकी जो आ गई ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर, अब आप इसमें देखिए इससे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मास कर सकते हैं, कणों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो पार्टिकल को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक तो वो जिन पार्टिकल्स के लिए ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर किसके बराबर है, एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर फोर। तो जिनके लिए ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर जीरो से बड़ा होता है तो उनके लिए पार्टिकल का विराम द्रव्यमान जो रेस्ट मास है वो पॉजिटिव और रियल होता है। द रेस्ट मास ऑफ दीज पार्टिकल्स आर पॉजिटिव and the velocity of these particles is always less than the velocity of light, और इन particles का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग से कम होता है, और इस श्रेणी में जितने भी द्रव्य कण आते हैं वो real matter particles होते हैं। क्या होते हैं, real matter particle होते हैं, वास्तविक द्रव्य कण होते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं, मान लीजिए कि ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ज़ीरो हो, पहले तो ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, अब हो गया, अब मान लीजिए कि वो क्या है इज इक्वल टू ज़ीरो हो, तो जिनका द्रव्यमान उनका विराम द्रव्यमान भी क्या होगा, ज़ीरो। अब आप देखिए इस इक्वेशन में ई ज़ीरो माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा, तो एम जीरो स्क्वायर सी फोर इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब सी फोर सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो इक्वल टू जीरो हो नहीं सकती, इट मीन्स एम जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो उनका रेस्ट मास क्या होता है, एम जीरो बराबर जीरो होता है। तो इनका रेस्ट मास ऑफ दिस पार्टिकल इज जीरो, और जो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल है इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ऐसे पार्टिकल्स की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, प्रकाश के वेग के बराबर होगी, और इस वर्ग में फोटोन या न्यूट्रिनो आते हैं, फोटोन और न्यूट्रिनो आते हैं, और इनकी एनर्जी आपको पता ही है क्या होती है, पीसी होती है। अब आ गया, अगर ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज लेस देन जीरो होता तो नेचुरली अगर ये लेस देन जीरो है तो रेस्ट मास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव रेस्ट मास है, इसका मतलब रियल नहीं है, इमेजिनरी है,
तो द रेस्ट मॉफ ऑफ दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिव एंड इमेजिनरी, और जो वेलोसिटी इन पार्टिकल की है यदि एग्जिस्ट करते हैं ये पार्टिकल, एंड द वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल इफ एग्जिस्ट विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा होगी। और ये जो इमेजिनरी पार्टिकल्स हैं इनको अपन बोलते हैं टैक्यून, क्या कहते हैं टैक्यून। तो ई ज़ीरो माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पार्टिकल जो है उसका रेस्ट मास पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होगी और रियल मैटर पार्टिकल्स होंगे। और अगर ज़ीरो है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर तो रेस्ट मास ज़ीरो होगा, वेलोसिटी जो इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी जैसे आपके फोटोन और न्यूट्रिनो हैं। और अगर लेस देन ज़ीरो है तो रेस्ट मास ऑफ दिस पार्टिकल जो है नेगेटिव और इमेजिनरी होगा। और अगर ये पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा होगी और इन पार्टिकल्स में आते हैं टैक्यून। तो ये है आपका फोर वेक्टर फॉर्मूलेशन में मोमेंटम वेलोसिटी एंड पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे फोर फोर्स एंड रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू।